गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जिस तरह हम जानते हैं कि हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1st कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2nd स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। ठीक है जी, इक्वेशन पहले तो हम इस चैप्टर का जो नाम है उसको थोड़ा या डिस्कस कर लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, ये जो इक्वेशन वर्ड है, इक्वेशन का मतलब वो है वो एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वेलिटी हो, यानी कि इक्वल का निशान हो। ठीक है जी, वन वेरिएबल मींस टू से दैट एक वेरिएबल हो। ठीक है जी, वन वेरिएबल यानी कि जो भी एक अल्फाबेट, लेट से एक्स वाई जेड जो भी हम लिखते हैं, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, STMNOP। ठीक है जी, वन वेरिएबल हो और लीनियर, लीनियर का मतलब क्या है, वो उसकी जो पावर है ना वन हो। ठीक है जी, उसकी डिग्री है ना वन से ग्रेटर ना हो। ठीक है जी, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन विच देर इज वन वेरिएबल एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे 5x-7 = 0, ये है। इसमें x वेरिएबल, x की पावर 1 है, लीनियर है, इक्वल का निशान है यानी कि इक्वेशन है, एक वेरिएबल x। ठीक है जी, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर है, पावर 1 है, इक्वेशन है, साइन ऑफ इक्वल का है निशान है और 1 वेरिएबल है x। ठीक है जी, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है, भी उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, यानी कि इसमें जो भी, देखो इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब है जी, लेफ्ट हैंड साइड, और इसका क्या RHS का मतलब है जी, राइट हैंड साइड। जब ये इक्वल का निशान है, इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल, और इसका सोल्यूशन वो x की वैल्यू आएगी जिसको पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है जी, तो आइए सॉल्व करते हैं जी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है जी, तो फर्स्ट है जी, उन्होंने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह x-2 = 7। x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल। देखिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी x के साथ एड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस नंबर से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, पहले x के साथ क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 2 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए x-2 = 7, x = ये क्या है, -2, राइट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएगा जी, +2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। देखो x वैल्यू डायरेक्टली 9 आ गई इसके साथ, क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड में, इसलिए x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई जी, 9 आ गई। ठीक है जी, ऐसे ही देखिए और क्वेश्चन है, जैसे 6x = 12, और x के साथ 6 क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 के साथ डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, या फिर इसको अगर राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन क्या होगा जी, 6x = 12, x = 12, 6 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको कट कर देंगे, क्या आ जाएगा जी, 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2 आ गई। ठीक है जी, ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं हमारे, देखिए नेक्स्ट करते हैं हम, जैसे है 3/7, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक 3/7 + x = 17/7, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास है? देखो ये 3/7 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 17/7, ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। देखो एलसीएम दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, 7, ये कॉमन आ जाएगा, और अगर एलसीएम कॉमन हो तो न्यूमिनेटर एस टीज आ जाते हैं,
17 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 माइनस 3 कितना होता है जी 14, 14 बाय 7 कट करके कितना आ गया जी 2, x की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे पास है 2x बाय 3 इज इक्वल टू 18, ठीक है जी 2x बाय 3 इज इक्वल टू 18, यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है। देखो 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 18 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है जी, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कट कर दो जो कट हो रहे हैं, 2 के साथ कट कर दो 18 को, कितना आ जाएगा 9, 9 3 आर 27, ठीक है जी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 27, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, देखिए 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, 7x की वैल्यू कितनी आ गई जी, ये माइनस 9 है, राइट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएगा जी प्लस 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना होता है जी 25, यानी कि 7x इज इक्वल टू 25, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 25 बाय 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई जी 25 बाय 7 आ जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, और ऐसे ही और कुछ और दो चार और क्वेश्चन हैं जो अपने आप करोगे आप। ठीक है जी, और इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है जी, धन्यवाद।